कहते हैं कि चुनावी बाजी कब पलट जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। जी हाँ, ऐसा ही इन दिनों देखने को मिल रहा है अब बरवाला में। बरवाला की अगर हम बात करें तो शुरुआत में कुछ और ही चुनावी माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे तमाम नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार को तेजी दी गई, उसमें धार लगाई गई, तो संजना सातरोड़ सबसे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। उसकी काफ़ी सारी वजह है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि संजना सातरोड़ ने कैसे बरवाला विधानसभा चुनाव में बाजी पलट दी है। जी हाँ, अगर हम बरवाला विधानसभा चुनाव की बात करें तो संजना सातरोड़ ने बरवाला में बाजी पलट दी है। जनसंपर्क अभियान व बिंदास मैनेजमेंट से संजना सातरोड़ अब पहले नंबर पर पहुंच गई है। शुरुआत से ही संजना सातरोड़ का धुआंधार प्रचार जारी था, लेकिन जिस तरीके से संजना सातरोड़ ने अब चुनाव में धार लगाई है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बरवाला विधानसभा क्षेत्र में होते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं, उससे अब बाजी पलट गई है। और इस दौरान जिस प्रकार से संजना के द्वारा बिंदास मैनेजमेंट चुनाव में की जा रही है, उससे पूरे हरियाणा में ये चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि किसी भी बुजुर्ग से पूछो, महिलाओं से पूछो, किसी भी आम नागरिक से पूछो, तो उनकी पहली पसंद संजना सातरोड़ बताई जा रही है। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। तमाम लोगों का कहना है कि संजना सातरोड़ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, विदेश में इन्होंने पढ़ाई की है और बरवाला के विकास का इनके पास विजन है। ये नेता बनने नहीं आई, बल्कि जनसेवक रहकर जनता की भलाई करना चाहती है। मुद्दों की बात करने वाली नेता है, मुद्दों की बात करने वाली महिला है। और वहीं राजनीतिक गणित को समझते हुए संजना सातरोड़ जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि अब चुनाव उनका टॉप गियर में चलेगा। वहीं अगर हम बात करें तमाम दूसरे उम्मीदवारों की, उनमें क्या कुछ कमियां रही, तो बरवाला में इन दिनों सीडी कांड की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है, जिसकी बदौलत राहुल गांधी भी सीडी कांड की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में रैली करने के बावजूद भी माहौल नहीं बना पा रहे। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की जनता से नाराज़गी है, या ये कहें कि जनता इन दिनों काफ़ी नाराज बीजेपी से लग रही है। उसी का खामियाजा बरवाला विधानसभा क्षेत्र में भुगतना पड़ रहा है। वहीं अगर हम हलके के लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि हलके का पिछड़ापन इस बार वो दूर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें कोई पढ़ा लिखा, कोई युवा नेता चाहिए। वहीं इसका एक और जो मजबूत कारण है जिससे संजना सातरोड़ इस चुनाव में आगे निकलती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण किसान बेल्ट है। बरवाला विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सारी किसान बेल्ट है और वो लोग अब की बार बीजेपी के विरोध में वोट देना चाहते हैं। और पूरे हरियाणा को पता है कि हरियाणा का इकलौता ऐसा विधायक था अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, तो कहीं ना कहीं उस इस्तीफे का असर अब बरवाला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के ऊपर देखने को मिल रहा है। इससे भी एक कदम आगे संजना सातरोड़ खुद जिस प्रकार से सुबह से लेकर आधी रात को भी लोगों के बीच में जाकर उनसे किस स्पीड से जनसंपर्क बना रही है, स्पीड से वोटों की अपील कर रही है, उससे हर किसी की पहली पसंद अब बनती जा रही है। और यही वजह है कि संजना सातरोड़ अब पहले पायदान पर पहुंच गई। आपको क्या लगता है, संजना सातरोड़ का जो चुनाव है, ये जो तमाम कारण बताए गए हैं, इन तमाम कारणों में कितनी मजबूती आपको लग रही है, इन तमाम मुद्दों में, इन तमाम बातों में आपको कितना दम लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है, संजना सातरोड़ पहले नंबर पर अभी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी, इसको लेकर भी आप अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट ज़रूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहा।